हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है लक्ष्मी दत्त और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि आज का हमारा ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, तो फिर भी देखिए हमारे जितने भी दर्शक अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब आपको पता चलेंगी मार्केट को लेकर। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे, काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिनको इन बारीकियों का पता हो, बट मैक्सिमम लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इन बारीकियों का पता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स तक कनेक्ट हो पाएँ, और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो पोटेंशियल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी मार्केट की जर्नी स्टार्ट की है, उन लोगों तक हम जरूर पहुँचना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए बैकग्राउंड में देख चुके हैं कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है, यानी कि आपको क्या है कि हर रोज़ बाजार के ओपन होने से पहले, बाजार के खुलने से पहले, स्टॉक मार्केट की ओपनिंग बेल से पहले आप कैसे पता करें कि जो हमारा मार्केट है वो आज मतलब कैसा रहेगा, मार्केट गैप अप रहेगा, गैप डाउन रहेगा, आज मार्केट बुलिश रहने वाला है या फिर आज मार्केट बेरिश रहने वाला है, इन सब चीज़ों का पता हम कैसे करेंगे, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बारीकियों को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हम बाजार को कैसे पकड़ें कि भाई बाजार किस दिशा में चल सकता है, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे आज के सेशन को, ठीक है। आप ऐसे काफ़ी दर्शक ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ रेगुलर बनते हैं, और आज तो काफ़ी लेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो मैं अभी आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँगा, ठीक है। अभी हम स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे, तो आप ये बैकग्राउंड में जो चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के चार्ट मैंने प्लेस किए हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए सवाल ये आता है कि अगर आज एक ट्रेडिंग डे था, मान लेते हैं कि आज हमारे मार्केट ने ट्रेड किया है और मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट की क्लोजिंग के बाद में अगले दिन सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो उस समय का मंजर कैसा रहेगा, इस चीज़ को कैसे पता करें, ठीक है। तो देखिए इसमें भी दो फैक्टर्स हैं जो साथ साथ में चल रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि आज की क्लोजिंग के हिसाब से कल का मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है कि जब आज मार्केट 3:30 बजे शाम में बंद हुआ है, तो आज हमारे इंडियन मार्केट के रात में इवनिंग में 3:30 बजे बंद होने के बाद कल सुबह 9:15 बजे मार्केट के ओपन होने के बीच में एक बहुत लंबा गैप है, ठीक है। तो इस बहुत लंबे गैप के अंदर अगर इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कुछ बहुत ही बड़ा मतलब हड़कंप आ जाता है, भूकंप आ जाता है समझ सकते हैं आप, या फिर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट के ऊपर अफेक्ट करता है, वो पूरे ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट करता है। मान लेते हैं कि आज आपने आज की क्लोजिंग सपोज कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी और आप आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपको लगता है कि कल मार्केट बुलिश होना चाहिए, कल गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज हमारे इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद से लेके और कल सुबह हमारे इंडियन मार्केट के ओपन होने के बीच में अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ ऐसी उथल पुथल हो जाती है, कुछ बहुत नेगेटिव कोई न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को लेके और भी कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो हमारा जो चार्ट का एनालिसिस है वो हमें बोल रहा है कि भी मार्केट कल प्लस में हो सकता है ओपन। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ चुका है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, तो हमारा मार्केट भी कल गैप डाउन ओपन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। क्योंकि जो हर कंट्री का मार्केट है उन सभी मार्केट्स को मिलकर ग्लोबल मार्केट फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर ग्लोबल मार्केट में मंदी आई है तो हर मार्केट को उस मंदी को मतलब हर मार्केट को उस मंदी से गुजरना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के इस एपिसोड में अभी ये देख लेते हैं कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज मार्केट अभी हमारा ओपन नहीं हुआ है और सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आज का बाज़ार कैसा ओपन हो सकता है और क्या क्या चल सकता है, मतलब बाज़ार में क्या क्या हरकतें हो सकती है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात परेशान रहते हैं कि भाई सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा, ऊपर ना खुल जाए, नीचे ना खुल जाए। हो सकता है आपने कल कॉल की पोजीशन लेके आपने क्लोज किया होगा, तो आपका जो माइंडसेट होगा वो ये बोलेगा कि भाई ईश्वर करे भाई मार्केट गैप डाउन ओपनिंग ना हो, या फिर अगर आपने पुट लेके अगर आप डाउन साइड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, तो कल सुबह आप ये बोलेंगे कि भैया आज भाई मार्केट बस गैप अप ना हो जाए ओपन, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आप अपने डायरेक्शन में ही सोचेंगे कि भाई मार्केट मेरे डायरेक्शन में खुल जाए, ठीक है। तो मार्केट का कैसे पता करें कि भाई मार्केट कैसे कैसे ओपन ओपनिंग दिखा सकती है, ठीक। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट इन द सेंस देखिए हमारा जो इंडियन मार्केट है, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारी जो निफ्टी 50 है,
ठीक है, हमारी जो निफ्टी 50 है वो लगभग लगभग SGX निफ्टी को फॉलो करती है ना। SGX सिंगापुर एक्सचेंज जो है ये हमारी कंट्री का नहीं है, SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी है हमारे इंडियन मार्केट की ओपनिंग से पहले ये मार्केट ओपन हो जाता है, लगभग 6:30 मॉर्निंग में ना, 6:30 के आसपास ही ओपन होता है। तो अगर 6:30 मार्केट जो SGX निफ्टी ओपन होता है तो उस समय अगर आप देखेंगे, मैं सुबह 6:25 6:30 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस समय हमारा मार्केट नहीं खुलता है, ठीक। लेकिन आप सुबह 6:30 अगर आप SGX निफ्टी का डेटा को देखेंगे तो वो आपको कुछ दिखा रहा होगा अभी प्लस में है या माइनस में वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन जब 9:15 का टाइम आता है, हमारे इंडियन मार्केट की ओपनिंग का टाइम आता है, तो आप इस SGX निफ्टी के डेटा को आप उस समय भी चेक कीजिए। देखिए ये जो देख रहे हैं आप अभी SGX निफ्टी यहाँ पर देख रहे हैं, टॉप में लिखा हुआ है SGX निफ्टी, ठीक है। तो SGX निफ्टी के नीचे ये चेंज वाला दिख रहा है फिगर आपको, जैसे यहाँ पर -153 दिख रहा है, तो ऐसे ही चेंजेस जो हैं आपको आपकी मार्केट की ओपनिंग से पहले यहाँ पर कुछ दिखाएगा। तो आप ये, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई 100% इसी डेटा को फॉलो करता है हमारा इंडियन मार्केट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि भाई SGX निफ्टी ने बताया है कि मार्केट गैप अप होने वाला है, आज मार्केट अच्छा ऊपर होगा, लेकिन मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से मैंने ये भी बताया है। और SGX निफ्टी तो आप सुबह चेक करेंगे 6:30 7:00, मैंने तो प्रीवियस डे नाइट में ही बताया कई बार कि भाई हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप जरूर ओपन दे दे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ही नीचे सरक जाएगा, और ऐसा अक्सर हुआ है, ठीक है। चलिए वो एक दूसरा टॉपिक है, दूसरा इशू है। तो आप जब 9:15 पे जो हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है उससे 5 मिनट पहले या फिर 9:00 पर आप देखेंगे तो SGX निफ्टी का डेटा है वो आपको हेल्प करता है मार्केट को समझने के लिए कि भाई हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है। अब इसके SGX निफ्टी के डेटा के साथ साथ में आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्री ओपनिंग डेटा है वो भी आपको हेल्प करता है कि भाई मार्केट किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि पहले प्री ओपनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, प्री ओपनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आजकल क्या है कि प्री ओपनिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। जैसे कि मार्केट 9:00 मार्केट की प्री ओपनिंग चालू हो जाती है, तो प्री ओपनिंग में क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना जो मूवमेंट्स है वो दिखाते हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट मतलब लाल निशान में खुलने जा रहा है, हरे निशान में खुलने जा रहा है। तो ये सारी संभावनाएं हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी अपनी प्री ओपनिंग जो सेशन है उसमें भी अपना डेटा है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई संभावनाएं क्या है। तो अब आपको दो फैक्टर्स मिल गए, ठीक है, आपको मतलब दो तरीकों से भी आपको पता चल चुका है कि हमारा मार्केट किस दिशा में जा सकता है। SGX निफ्टी ने बोला कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जो सेकंड नंबर पे है, आपकी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्री ओपनिंग डेटा है उससे भी आपको पता चलता है कि मार्केट आज मार्केट की ओपनिंग है वो किस तरफ हो सकती है, ऊपर हो सकती है, गैप अप हो सकता है, मार्केट गैप डाउन हो सकता है। तो अब आपको दो फैक्टर्स से पता चल चुका है कि मार्केट का क्या रुझान है। अब बात आती है तीसरा और मेन फैक्टर, ठीक है। आप देखिए वीडियो में आप लास्ट से बने रहिएगा, ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए भी होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया, और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियोज लेके आता रहता हूँ और लाइव सेशन पीरियड अक्सर होते रहते हैं। अभी कुछ कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, बट बहुत जल्दी ही मैं अपने चैनल के ऊपर थ्रू आउट में लाइव सेशन वगैरह रखूंगा। सो लेट अस सी आप लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो हमने दो फैक्टर्स की बात कर ली है, पहले नंबर पे SGX निफ्टी का जो डेटा है आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो प्री ओपनिंग का डेटा है वो आपको हेल्प करता है कि भाई निफ्टी, मान लेते हैं कि अगर SGX निफ्टी 150 पॉइंट प्लस में दिखा रही है, 150 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है SGX निफ्टी हमारे मार्केट की ओपनिंग के इमीडिएट पहले, और साथ में ही आपका जो हमारे इंडियन मार्केट का जो प्री ओपनिंग है उसमें भी आपको निफ्टी दिखा रहा है कि भाई 90 पॉइंट प्लस में या 120 पॉइंट प्लस में, तो आप समझ सकते हैं कि आपको दो तरफ से इशारा मिल चुका है। SGX निफ्टी भी बोल रही है मार्केट प्लस में जाने वाला है, और हमारे मार्केट की प्री ओपनिंग भी बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब जो तीसरा और जो मेन सबसे मेन फैक्टर है जो मार्केट में वो मार्केट को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, करेक्ट। मैं आपको चार्ट पे ही लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी। मैं आपको चार्ट पर ही लेके जा रहा हूँ, ये चार्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। आप मैंने दो चार्ट आप लोगों के लिए प्लॉट किए हैं, ये दोनों ही अभी मार्केट क्लोज है, अभी कोई मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा, आज वैसे भी सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है। मैं अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक साइड में मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है और दूसरे साइड में मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, मतलब लेफ्ट साइड में निफ्टी का चार्ट है और राइट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है। दोनों ही चार्ट मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने प्लॉट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्हें चार्ट समझना आता होगा, कैंडल्स पढ़नी आती होंगी और चार्ट पढ़ना आता होगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं, ट्रूली नए हैं, मतलब प्योरली नए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, तो वो देखेंगे। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मेंशन की हुई, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल लिंक्स भी हो सकते हैं। और बाकी मैंने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ उसमें, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, चार्ट को जब आप देखेंगे, आपको दो फैक्टर से पहले पता चल चुका है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। जो थर्ड और मेन फैक्टर है वो है हमारा चार्ट। अब चलिए हम निफ्टी की बात करते हैं, हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो इंडियन मार्केट की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने का जो पैमाना है, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, पैमाना बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है, दैट इज़ निफ्टी 50। निफ्टी 50 को अगर आप चेक कर लेंगे और आपने सही से चेक कर लिया, तो आपको इंडियन मार्केट की पूरी दशा का पता चल जाता है। तो इस निफ्टी 50 को एनालाइज़ करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप डेली चार्ट में जाएं, ठीक है। जब आप डेली चार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर टाइम फ्रेम, यहाँ पर वन डे करके लिखा होगा, आप इसमें ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर वन डे चार्ट है। तो वन डे चार्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई बाजार का रुझान किस तरफ है, अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट या डाउन ट्रेंड में। तो देखो, दो फैक्टर्स आपको पहले से पता थे कि भैया एसजीएक्स निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, दूसरे नंबर पे आपका इंडियन मार्केट का प्री ओपनिंग भी प्लस में दिखा रहा है। अब तीसरी साइड में अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए आपको जो वन डे का चार्ट है, मान लेते हैं कि वन डे का चार्ट भी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर जैसे दिख रहा है इस तरीके से। तो अब आपको तीन फैक्टर मिल गए हैं कि भाई एसजीएक्स निफ्टी भी, आपके प्री ओपनिंग भी और आपका चार्ट है, ये तीनों आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बुलिश हो सकता है, गैप अप हो सकता है। तो आप ये मान के चले कि लगभग 90-95% मार्केट इसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा आपने वर्कआउट किया, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई लूडो खेल रहे हैं, भाई मेरा 6 आ जाए बस, तो ऐसे नहीं चलता मार्केट में ना। मार्केट, अब देखो जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्यूरेट साइंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट देखो, ऐसा है कि जब आप मार्केट में काम करेंगे तो आपका जो तजुर्बा है वो भी कुछ बोलेगा। देखो, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं, करेक्ट, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर है रुद्रपुर, तो मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूं, फुल टाइम ट्रेडर हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ट्रेड में मतलब ट्रेड में इंगेज रहता हूं। और अदरवाइज इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कुछ हमारे ट्रेडर्स हैं वो भी आते हैं, क्योंकि देखो जो मेरा तजुर्बा है वो तो मैं ठीक है आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं बाजार के बारे में सब कुछ मैं ही जानता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बट काफ़ी लोग आते हैं जिनके साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर भी करता हूँ, ठीक। और इसके अलावा मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, ठीक है। लाइव सेशंस वगैरह चलते रहते हैं और कोशिश करता हूँ कि भाई जितना मैं शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट को पढ़ना सीख गए तो ये आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर प्री ओपनिंग मतलब मार्केट की ओपनिंग से पहले अगर आपको प्रेडिक्ट करना आ गया मार्केट किस दिशा में जा सकता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग हैंड होगा, बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इस तरीके से आपको हेल्प मिल रही कि नहीं मिल रही मार्केट को एनालाइज़ करने में। देखो, मार्केट को एनालाइज़ करना कोई फार्मूला नहीं है कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है। बट मार्केट में अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। तो आप जितना समय देंगे आप मार्केट को एनालाइज करने में, तो वो एक्सपीरियंस बनता है आपका। जो आप जितना भी टाइम दे रहे हैं मार्केट को, दैट बिकम्स योर एक्सपीरियंस, और तजुर्बा बोलता है। आप कोशिश तो करें, देखिए एक दिन में अगर आप लगभग 50 चार्ट अगर आप देख लेते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी 80% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको डिफरेंट टाइप के 80-100 चार्ट्स आपको डेली देखने हैं, जितने ज़्यादा देख सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं मार्केट को एनालाइज करने में। बाकी मैंने और भी वीडियोस कुछ बनाए हैं और आगे भी बनाऊंगा, मैं भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में भी और वीडियोस भी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको और भी कुछ वीडियोज चाहिए अगर मार्केट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी कवर करूँगा अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा तत्काल, बिल्कुल तत्काल इसको शेयर कीजिएगा, इमीडिएटली फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं इसको, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम के कई सारे चैनल्स होंगे आपके पास, ग्रुप्स जिनमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। फील फ्री टू शेयर माई वीडियो अक्रॉस मतलब ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी आप यूज़ करते हैं
सबके ऊपर आप भेजिए बिंदास, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त दूंगा। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आज तो वैसे सैटरडे है और कल संडे रहेगा, दोनों दिन ट्रेड नहीं हुआ, तो मंडे से भी एक्चुअली मैं अगले 2 हफ्ते हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूँ आप लोगों के लिए लाइव कवरेज के लिए, लाइव सेशंस के लिए। तो उसके बाद हम अदरवाइज अपना सेशन है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।